हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं होली स्पेशल लड्डू। तो ये जो लड्डू है इसके लिए मैंने एक देखिए पैन रख दिया है और इसको हम थोड़ा सा गरम कर देते हैं लो फ्लेम पे। ये गरम हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप में डेसिकेटेड कोकोनट ले रही हूँ और इसको जो है हम हल्का सा भून लेंगे। बहुत ज़्यादा कलर नहीं इसका चेंज करना है, हल्का गोल्डन या फिर कलर चेंज नहीं भी हुआ तो भी चल जाएगा। बस ये जो कोकोनट है उसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाना चाहिए। इतना हम इसको थोड़ा सा 1 से 2 मिनट तक लगातार हिलाएंगे और इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो एक हल्का सा गरम मैंने किया है, हल्का कलर चेंज हुआ है, नहीं हुआ तो भी चलेगा। इसको मैं किसी प्लेट में निकाल लूँगी और ठंडा होने के लिए हम इसको रख देंगे। सारा हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देते हैं। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम, आप यहाँ पर देख सकते हो आगरे का पेठा है और ये 200 ग्राम है। और ये जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम ये आगरे का पेठा जो है 200 ग्राम उसको हम ग्रेट कर लेते हैं। देखिए, और इस तरह से मैं ये जो सारे पीसेस हैं उनको ग्रेट कर लूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारा जो आगरे का पेठा है वो ग्रेट कर लिया है और ये जो है हमारा कोकोनट पाउडर वो भी ठंडा हो चुका है। अब हमको करना है इसको दोनों को मिक्स और हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर। और यहाँ पर मैंने कलर लिया था थोड़ा सा ऑर्गेनिक कलर, वो हम इसमें मिला देते क्योंकि हमको गुलाबी कलर चाहिए। और यहाँ पर है इलायची का फ्लेवर। इलायची वैसे हमने डाल दी है, ये आप स्किप भी करोगे तो भी चलेगा। एकदम थोड़ा सा 2-3 बूंद में इसमें डाल दूंगी। और हम डालेंगे रोज वाइट, ये भी रोज का इसेंस है, ये हम डाल देंगे। 2 से 4 बूंद हमको इसकी लेनी है। सबको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अभी हमको ये सारा जो मिश्रण है हमको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और बहुत ही सुंदर ऐसा गुलाबी कलर आ गया है। अभी हम इसके लड्डू बना लेते हैं। यहाँ पर अब मैंने ले लिया है पिस्ता के टुकड़े मैंने कर लिए हैं और ये घी है, तो थोड़ा सा घी मैं मेरे हाथों को लगा लेती हूँ और इसके हम लड्डू बना लेते हैं। जो भी आप आकार के आपको पसंद हो, छोटे बड़े, आप इसको बना सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं। अभी थोड़ी प्रोसीजर बाकी है। अभी ये जो लड्डू हमारे बन चुके हैं इसको हम कोकोनट जो मिक्सचर है हमारा उसमें डीप कर लेंगे। देखिए इस तरह से, और ये मैं इसमें रखती जाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया हुआ है। देखिए इस तरह से मैं सारे जो लड्डू है हमारे इसमें डाल के उसको रैप कर लूंगी कोकोनट बुरस। और अब मेरे पास है ये पिस्ताचो जो हमने कट करके रखे थे, उससे हम ये एक एक जो लड्डू है उस पे इस तरह से लगा देंगे ताकि ये दिखने में जो है बहुत ही अच्छे लगेंगे और खाने में तो अच्छे है ही। आप इस लड्डुओं को जरूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर ये ऐसे लड्डू बने हुए हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी ये अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच।